हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही मज़ेदार आलू टिक्की बर्गर रेसिपी। जो आलू टिक्की हम इसमें बनाने जा रहे हैं उसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, कम तेल में फ्राई करी हुई टिक्की और बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल में बना हुआ ये बर्गर, जिसे आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। और इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हम आलू टिक्की बर्गर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें चाहिए होंगे आलू। मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं, ढाई मीडियम साइज़ का ये आलू है उबले हुए, जिसको मैं फोक की मदद से मैश कर रही हूँ। मैश करने का रीज़न सिर्फ यही है कि इसमें कोई बड़ा जो टुकड़ा है आलू का ना रहे, अच्छे से इवनली ये मैश हो जाए। तो पहले अच्छे से फोक से हम इसको इस तरीके से मैश करके तैयार कर लेंगे। तो आलू टिक्की बर्गर को हमेशा अनहेल्दी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर आलू का इस्तेमाल किया जाता है और बिल्कुल डीप फ्राइड टिक्कीज़ होती हैं ये। तो आज इसको थोड़ा सा अलग ट्विस्ट देके बनाएंगे। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर रही हूँ ये एक मीडियम साइज़ की ग्रेट की हुई गाजर। आप और भी हेल्दी ट्विस्ट दे सकते हैं, आप चुकंदर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है आप इसमें डालकर इसको बच्चों के लिए हेल्दी ट्विस्ट भी देकर बना सकते हैं। साथ साथ मैंने इसमें डाला है आधा कप फ्रोज़न मटर। मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटर को उबाल कर और आधा कप वो मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें डालते हैं थोड़ा सा कटा हुआ बारीक धनिया और उसके साथ साथ दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें मैंने डाल दी हैं। अब इसमें डाल देते हैं नमक, उसके अलावा डालते हैं इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और बस ये सब चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे इसको कुरकुरा बनाने के लिए। मैं यहाँ पर आधा कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने ब्लेंडर में चला लिया था, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया मैंने सूजी का। तो आपके पास अगर मोटी सूजी हो तो आप ब्लेंडर में ज़रूर से चला रहे, इवन आपके पास अगर फाइन सूजी भी है तो एक बार ब्लेंडर में उसको चला के पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल करें तो टिक्की में बहुत ही अच्छा करारापन आ जाता है। आप चाहें तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी कप पाउडर का इस्तेमाल करें और साथ साथ एक तिहाई कप मैंने पोहा लिया था, जिसको बस पानी में धो लिया, उसके बाद तीन चार मिनट उसको रख दिया था साइड में और उस पोहे को भी इसमें डाल दिया है, जो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी आलू के अंदर होगा और बाइंड करने में बहुत मदद करेगा टिक्की को। तो एक तरीके का बाइंडिंग एजेंट है ये, और जो सूजी के पाउडर का हमने इस्तेमाल करा है वो टिक्की को बनाएगा बहुत ही कुरकुरा, यानी कि एकदम क्रिस्पी बनकर आएंगी हमारी टिक्कियाँ। जैसा मैंने पहले बताया, आप चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे तो भी बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट आएगा। अब जो हमारा ये आलू टिक्की का डो बनकर तैयार हो चुका है, इसको हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका लेते जाएंगे और इससे शेप करेंगे आलू टिक्की। शेप किस तरीके से करेंगे, राउंड करेंगे और साइज़ उसका जो है टिक्की का वो होना चाहिए आपके बर्गर बन के जितना, यानी कि जितना बड़ा आपका बर्गर का बन है उतनी ही बड़ी आपको आलू टिक्की साइज़ में बनानी है। तो बस अब इसको हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं, फाइनली टिक्की को हम उसमें रोल करके एक प्लेट पर लगाते जाएंगे। ब्रेड क्रम से कोटिंग करने से बहुत ही फ़ायदा रहता है, एक तो बहुत क्रिस्पी बनती है हमारी टिक्कियाँ, साथ साथ जब आप इसको फ्राई करेंगे तो जब बाहर ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं तो बिल्कुल आपकी टिक्की के खुलने के चांसेस नहीं होते, यानी कि तेल में आपकी टिक्की बिल्कुल टूटेगी नहीं। ब्रेड क्रम्स जो है जैसे ही आप तेल में डालेंगे एकदम अच्छे क्रिस्प बना देंगे बाहर से टिक्की को और अंदर से टिक्की हमारी आराम से सिकती रहेगी, तो बाहर से जो उसकी कोटिंग है वो निकल कर तेल में नहीं आएगी। तो ब्रेड क्रम्स लगा कर इस तरीके से मैंने रख ली है सारी टिक्की एक प्लेट पर। तेल को मैंने गरम कर लिया है, शैलो फ्राई करेंगे टिक्कियों को और एक एक करके तेल गरम करने के बाद टिक्कियाँ इसमें ऐड करेंगे।
और टिक्कियों को अब हम एक साइड पे ही अच्छे से पकने देंगे करीब 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद ही इसको टर्न करेंगे जब तक कि एक साइड हमारी कम्प्लीटली पक नहीं जाती। अगर आप पहले ही इसको टर्न करना शुरू कर देंगे तो बार बार टर्न करने से जो है आपकी टिक्की जो है तेल में टूटकर निकलने लगेगी। तो आप एक साइड अच्छे से पकाएं और उसके बाद टर्न करें, और फिर दूसरी साइड उसको अच्छे से कुरकुरा कर लें, और उसके बाद दोनों साइड पे आप जितना आप इसको क्रिस्पी और बनाना चाहते हैं या जितना आप और इसको फ्राई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छी कोटिंग आ चुकी है उसके ऊपर लोअर सरफेस पे, और फिर मैंने इसको पलट दिया है, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी पसंद है मुझे टिक्कियाँ, तो मैं एक बार और टर्न करके इसको पका रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके की एकदम कुरकुरी करारी टिक्की बनाने के लिए। तो जितनी क्रिस्पी आपको पसंद है आप उलट पलट करके इसको पका सकते हैं दोनों साइड पर, और बस जैसे ही आपकी टिक्कियाँ तैयार हो जाएँ इनको निकाल के पेपर टॉवल पर रख लें, और जब तक टिक्कियाँ थोड़ी सी ठंडी होती हैं तब तक प्रिपेयर करते हैं हम सॉस जो हम इस्तेमाल करेंगे बर्गर में। तो बर्गर्स में अक्सर आपने देखा होगा कि ये ऑरेंज कलर की डिलिशियस सी जो टेम्पटिंग सॉस होती है जो बर्गर्स को और भी डिलिशियस बना देती है वो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो बस हम कंबाइन करेंगे मेयोनीज और केचप को और प्रिपेयर कर लेंगे डिलिशियस सी सॉस। एक्चुअली ये जो सॉस है ये वाइट कलर की मेयो का कॉम्बिनेशन है, कोई भी रेड सॉस के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, चाहे वो केचप हो, चाहे हॉट चिली सॉस हो, या कोई भी और फ्लेवर्ड सॉस जो आप इसमें ऐड करना चाहें, और बस बना लें ये डिलिशियस क्रीमी सी सॉस अपने जो आपको फ्लेवर्स पसंद है उस हिसाब से। मैंने सिर्फ केचप और मेयो को कंबाइन करा है, आप थोड़ा सा स्पाइस अप करना चाहते हैं तो हॉट चिली सॉस भी इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा स्पाइस अप कर सकते हैं सॉस को। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है हमारी डिलिशियस सी सॉस, जिसमें मैं थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल रही हूँ, आप ऑरिगेनो, बेसिल, थाइम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, और बनकर तैयार है हमारी ये डिलिशियस सॉस, सॉस डिप बोल सकते हैं आप, इससे आप और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि। तो ये रेडी हो चुकी है हमारी सॉस, बर्गर बंस हमारे ऑलरेडी बिल्कुल रेडी हैं, तो चलते हैं अब असेंबल करते हैं अपने बर्गर को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लोअर बन रखा है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी हॉट चिली सॉस डाल रही हूँ और इसको स्प्रेड कर देंगे। टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया कम तेल में बनी हुई टिक्कियाँ हैं और बिल्कुल अच्छे शेप में बनी हैं, तो ईजी है इनको बनाना और शेप भी बिल्कुल बढ़िया है, साथ साथ कुरकुरी भी बहुत है। तो बस एक लेटस लीफ रखेंगे अब इसके ऊपर, और उसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे जो हमारी आलू टिक्की हमने बनाई है। साथ साथ ही इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये एक चीज़ स्लाइस, मैं लो फैट चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी चीज़ स्लाइस इसमें ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं ऐड करना चाहते। साथ साथ इसमें स्लाइस्ड टमाटोज एंड अनियंस, आप चाहें तो क्यूकम्बर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटरूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन से वेजीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और बस ये डिलिशियस सॉस चाहिए अब जो बर्गर बन का हमारा टॉप है, यानी कि जो ऊपर वाला बन है हमारा, उसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ये सॉस, और इसको जब हम उल्टा करके लगाएंगे तो ये सॉस जब हमारे बर्गर पर आएगी तो बना देगी इसको बिल्कुल बाहर जैसे बर्गर मिलता है बना बनाया, बिल्कुल वैसा ही। तो बस सारे बर्गर्स हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे, और आई होप आपको ये बढ़िया सा बर्गर बना हुआ जो घर में बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे बाहर आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो बर्गर। बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है, और घर पर भी आप बर्गर को न्यूट्रिशियस बना सकते हैं अपनी पसंद की चीज़ें इस्तेमाल करके, लो फैट चीज़ों का इस्तेमाल करके और कम तेल में फ्राई की हुई टिक्की का इस्तेमाल करके। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, बनाइए इसको, और अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इन्जॉय एंड हैव अ लवली टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।